से राजभवन पहुंची है फाइल। 20 दिसंबर से होगा पहला सत्र। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे, राज्यपाल से मंजूरी के बाद सदन की बैठक को आहूत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्यपाल विधानसभा आहूत करने का करेंगे समन जारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, पहले दो दिनों तक नव निर्वाचित विधायक की शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद बताया जा रहा है कि सीएमओ से राजभवन जो है वो फाइलें पहुंच चुकी है। 20 दिसंबर से पहला सत्र की शुरुआत होने जा रही है। नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, उनको कार्यभार उनका सौंपा जाएगा। उसके बाद राज्यपाल से मंजूरी के बाद सदन की बैठक शुरू होगी, आहूत किया जाएगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, राज्यपाल विधानसभा आहूत करने का समन जारी करेंगे। पहले दो दिनों तक नव निर्वाचित जो विधायक हैं, जो चुनाव जीत कर आए हैं, उनका शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। 20 दिसंबर से बताया जा रहा है कि पहला सत्र होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंच रहे हैं, 20 दिसंबर यानी कि कल से पहले सत्र की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। सीएमओ से राजभवन फाइलें पहुंच चुकी हैं जिनके बारे में चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर से पहला सत्र शुरू होगा यानी कि कल से। राज्यपाल से मंजूरी के बाद सदन की शुरुआत की जाएगी। राज्यपाल विधानसभा आहूत करने का समन जारी करेंगे। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र कल से जारी होगा। 20 दिसंबर से पहले दो दिनों तक नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। तो 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। पहले बताते चले कि फाइलें पहुंचाई गई और राज्यपाल से मंजूरी के बाद सदन की बैठक आहूत की जाएगी। राज्यपाल विधानसभा आहूत करने का समन जारी करेंगे और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो सदन है उसकी कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी के बाद सदन की बैठक होगी। राज्यपाल विधानसभा आहूत करने का समन जारी करेंगे। पहले दो दिनों तक नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। क्योंकि नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ भी दिलानी है और जानकारी है कि पहले के जो दो दिन होंगे उनमें नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता सुधीर शर्मा जुड़ चुके हैं। सुधीर, पहले दो दिन बताया जा रहा है कि नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, फाइलें पहुंच चुकी है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, कल प्रोटेम स्पीकर की शपथ हुई थी जिसमें राज्यपाल ने कालीचरण सराफ को, जो सबसे सीनियर और वरिष्ठतम विधायक के नाते 8 बार के विधायक है, उनको प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई। और इसके बाद तुरंत में राजभवन में आज सुबह ही सदन की बैठक को आहूत करने से संबंधित जो दस्तावेज है वो राजभवन पहुंचे और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें मंजूरी दे दी और सत्र आहूत करने का संबंध भी जारी कर दिया गया है। और 20 दिसंबर यानी कल और 21 दिसंबर पहले दो दिन तक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ जो नव निर्वाचित विधायक आए हैं उनको शपथ दिलवाएंगे। इसके बाद आगे की जो निर्वाचन है वो होगा, बीजेपी की तरफ से जो नामित किए गए हैं वासुदेव देवनानी, उनके निर्वाचन की प्रक्रिया का काम होगा। यानी संभवतः बहुत लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है जब दिसंबर में ही सत्र बुलाया गया है और विधानसभा के अध्यक्ष पे, क्योंकि नवगठित जो विधानसभा है उसके जो पहले अध्यक्ष बनेंगे वो दिसंबर में मिल जाए। आमतौर पर ये जनवरी के महीनों में इस तरह का होता है। इसके साथ ही खास बात यह रहेगी, दो समितियों का गठन होगा जिसमें कार्य सलाहकार समिति का गठन होगा जो सदन में आगे लिए जाने वाले कामकाजों को तय करेगी, तो दूसरी तरफ गृह समिति का भी गठन होगा। ये गृह समिति वो काम करेगी जो विधायकों के आवास संबंधी समस्या का या आवास जो नए बने हैं उनके आवंटन की प्रक्रिया करेगी। तो मोटे तौर पर अभी ये दो दिन का जो सदन की बैठक आहूत की गई है इसके अंदर नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ का जो महत्वपूर्ण है वो काम होगा। लेकिन जब भी नवगठित विधानसभा की बैठक होती है उसके तुरंत बाद राज्यपाल का अभिभाषण भी होता है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या राज्यपाल का अभिभाषण अभी करवाया जाएगा या फिर नए साल के दौरान उनका अभिभाषण होगा। तो ये दो बिंदु जो देखने वाले हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण अभी होता है या फिर जनवरी के महीने में ही उनका अभिभाषण किया जाएगा, या दो दिन की बैठक करने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक जो बनती है उसमें किस तरह की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, सरकार किस तरह से अपना कामकाज सदन में लाती है वो देखने वाली बात होगी। सरकार कामकाज किस तरीके से करेगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरेगा ये भी देखने वाली बात होगी। विपक्ष को लेके क्या अपडेट है? बिल्कुल, विपक्ष जिस तरह से सदन आनंद फानंद में भी इस बैठक को बुलाया गया है, यानी कल सुबह 11 बजे के विधानसभा की बैठक आयोजित
सभा की पहली बैठक और निर्वाचित विधायकों को जो शपथ दिलाई जाएगी उसको विपक्ष मोटे तौर पे मुद्दे के रूप में ले सकता है कि ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी, ऐसी कौन सी आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी कि इतनी तुरंत फुरंत में, यानी हम अभी बात कर रहे हैं कि 12 बजे यानी 23 घंटे के अंदर बुलाए, इस पर सरकार को विपक्ष घेर सकता है क्योंकि सामान्यतया 2-3-4 दिन का या 5 दिन का या 7 दिन का जो समय दिया जाता है वो नहीं दिया जाता क्योंकि कौन विधायक अपने क्षेत्र में कहाँ है वो पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इसके इतर सरकार के पास इस बात का इस तरह से जवाब हो सकता है कि अब संचार युग आ गया, संचार की क्रांति ने सभी लोगों को या जो वहां तक सूचना पहुंचा दी जाती है, तो ये मुद्दा सबसे पहले रूप में आज दिया जा सकता है। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को उठा सकती है। करारी शिकस्त दी है बीजेपी ने कांग्रेस को। सुधीर, क्या लगता है सदन में कौन से मुद्दे विपक्ष मजबूती के साथ उठा सकता है? देखिए, चूंकि ये जो पहला सदन की नवगठित विधानसभा है, ये 16वीं विधानसभा है, इसका ये पहला सत्र होगा जिसमें सबसे पहले निर्वाचित जो विधायक है उनको शपथ दिलाई जाएगी, अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, उसके बाद मुद्दों की बात आती है क्योंकि अभी जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो पहले पूरी करनी होती है, संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद होती है। लेकिन जिस तरह से 23 घंटे के अंतराल में इस तरह से जो सदन की बैठक आहूत की गई है उसको लेकर एक बड़ा मसला कांग्रेस इस बात को उठा सकती है कि इतनी क्या जरूरत आन पड़ी है कि इससे पहले जो सत्र आए हैं, इससे पहले जो विधानसभाओं में सत्र आते रहे हैं वो सत्र जनवरी के महीने में आते रहे हैं, तो लिहाजा इस बात को हम देखें तो इस मुद्दे को कांग्रेस जरूर उठा सकती है सदन में कि इतनी जल्दी में क्यों बुलाया गया है। क्योंकि हम पिछले, अगर हम 15वीं विधानसभा की बात करें तो 15 जनवरी से उनका ये सत्र है वो शुरू हुआ था। इसी तरह अगर 14वीं विधानसभा की बात करें तो 14वीं विधानसभा का जो पहला सत्र था वो 21-1-2014 को हुआ था। इसी तरह हम 13वीं विधानसभा की और 3 सत्रों से पहले की बात करें तो उसके अंदर भी जो सत्र आहूत किया गया था वो 1-1-2009 को आयोजित किया गया था। तो पहले अगर पिछला इतिहास देखिए तो जनवरी के महीने में तरह की बैठक आयोजित हो रही है और तुरंत की 23 घंटे के अंतराल में क्यों बैठक आयोजित की, इसका क्या कारण है और इसी को विपक्ष मुद्दा बनाएगा जैसा आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए।